तो चंगेज़ फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर ना लोग काफ़ी ज़्यादा मैसेज कर रहे थे। वो लोगों का कहना था कि संजू चंगेज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर बातें करो कि अभी तक यह फिल्म ने कितना कलेक्शन करा है, मीन्स दो दिनों के अंदर कितना फिल्म ने कलेक्शन कर रही है और आज के दिन पर यह फिल्म कितना कलेक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलो फिर इसी बातें करते हैं, बट एक चीज़ और मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दूँ, इसके कलेक्शन ने भाई सरप्राइज कर दिया है। खासकर पहला दिन जो जब भी मैं देखने गया हुआ था इस फिल्म को ना, तो दिल्ली में भाई पहले दिन पे ने इसके उतने अच्छे रिस्पांस नहीं देखने को मिले हुए थे। मैं जब भी देख रहा था इस फिल्म को ना, मात्र मेरे साथ ना 3 लोग देख रहे थे और मेरे को लेके 4 लोग थे टोटल, बाकी पूरा का पूरा थिएटर खाली था। बट अभी आलम ये हो रखा है, कल के दिन पे जितने भी इसके शोज मिले हुए थे दिल्ली में, लगभग सारे के सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं। सोचो कितना ये बड़ा चीज़ है। पहले दिन पे 5 से 10% की ऑक्यूपेंसी थी, बट वहीं दूसरे दिन पे 80 से 90% की ऑक्यूपेंसी बताई जा रही है। जहाँ भी ये फिल्म लगा है, जिस भी स्टेट में लगा है ये फिल्म, हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में ये फिल्म तो छप्पड़ फाड़ कलेक्शन कर रही है, बट हिंदी बेल्ट में लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं ये चंगेज़ फिल्म को। सो ये चीज़ें देख के मेरे को बहुत ज़्यादा सही फील हुआ, क्योंकि जब भी मैं ये वीडियो बना रहा था ना, मैं 2-4 लोगों से पूछा, 2-4 जगह R&D करा कि क्या है थिएटर रिस्पॉन्स, सबका यही चीज़ कहना था कि ये फिल्म को पब्लिक देखने आ रही है, 80-90% की ऑक्यूपेंसीज आ रही है, अब इससे बड़ा चीज़ क्या होगा यार। बंगाली सुपरस्टार की फिल्मों को हिंदी दर्शक अब देखने जा रहे हैं, इससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं हो सकता यार। चलो फिर एक एक चीज़ पर हम लोग बात करते हैं कि पहले दिन पे कितना कलेक्शन हुआ था, देन दूसरे दिन पे कितना कलेक्शन हुआ था, देन आज के दिन पे ये फिल्म कितना कलेक्शन कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को प्रॉपर तुमने लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक जो भी अलग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो बैक टू पॉइंट, आते हैं चंगेज के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। पहले दिन का कलेक्शन वही 35 से 36 लाख के आसपास बताई जा रही है। अभी तुम लोग ना थोड़ा शॉक्ड हो गए कभी तेरी मात्र 35 से 36 लाख, ये तो बहुत कम हो गया यार। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, ये फिल्म का बजट कुछ ऐसा नहीं है 80 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़ की ये फिल्म है। ये फिल्म का बजट है वही 4.8 crore, मीन्स 4.8 crore ये फिल्म का बजट है। मानो 5 करोड़ के आसपास ये फिल्म का बजट है। अब 5 करोड़ जिस फिल्म का बजट है, वो फिल्म का पहला दिन का कलेक्शन 35 से 36 लाख का आता है, तो ये डिसेंट है, इतना आता ही आता है कोई भी फिल्म का। बट ये फिल्म का कलेक्शन ना अपने दूसरे दिन पे ना सबको सरप्राइज कर दे। जब मैं तुम लोगों को बताऊंगा ना, तुम लोग ही बोलोगे अबे तेरी मजाक कर रहा है क्या बे संजू, बट नहीं, दूसरे दिन पे ना ये फिल्म का कलेक्शन आ रहा है 1.22 crore का, मीन्स 1.22 crore का ये फिल्म का कलेक्शन आ रही है दूसरे दिन पे। देख रहो ग्रोथ, देख रहो कितना का लिया हुआ है। और ये कलेक्शन में ना बहुत तगड़ा रोल प्ले करा हुआ है हिंदी बेल्ट का कलेक्शन। इससे यही पता चल रहा है ना कि पहले दिन का जैसे ही रिव्यू आया ना, देन उसके बाद लोग इस फिल्म को अब देखने जा रहे हैं। क्योंकि अभी का सीन ऐसा हो रखा है ना कि जो भी होशियार पब्लिक है, जो भी थोड़ा सा समझदार जो ऑडियंस है, वो लोग ना पहले दिन के रिव्यू का वेट करते हैं। देन पहले दिन का रिव्यू आ जाता है, देन उसके बाद वो लोग अगले दिन उस फिल्म को देखने जाते हैं। अगर रिव्यू अच्छा नहीं आता है तो वो लोग वेट करते हैं OTT पे आने का वो फिल्म का। बट ये फिल्म का ना, चंगेज का ना रिव्यू ना अच्छा आ रहा है, जो भी लोग इस फिल्म को देखने जा रहे हैं ना, वो लोग इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। और मैं तुम लोग से ही बोलना चाहता हूँ, अगर तुम लोग को भी एक मसाला फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म को तुम लोग डेफिनेटली जाके देखना है। तो अब बात कर लेते हैं कि आज के दिन का क्या सीन निकल के आ रहा है, आज के दिन पे ये फिल्म कितना कलेक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा खबर निकल के आ रही है आज के दिन पे भी ये फिल्म 1.3 crore के आसपास में ये कलेक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत बड़ा चीज़ है। अभी तक यही बताया जा रहा है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, बट हाँ इसी के आसपास ये फिल्म का तीसरे दिन पे कलेक्शन रहने वाली है। मुझे ऐसा लगता है 1-2 दिन के अंदर ये फिल्म अपना ना बजट रिकवर कर लेगी, देन उसके बाद ये फिल्म चली जाएगी प्रॉफिट वाले रेस में, और 110% ये फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होने वाली है। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोग इस पे क्या कहना है, खुश हो ना यार कि चंगेज़ को लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, ओपिनियन कमेंट करके तुम लोग जरूर बताना। सो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, और हाँ ये वीडियो तुम सबको ज़रा भी पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मचाते रहो।